हेलो दोस्तों, RKSM क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मंडे के दिन आप फोकस रखना, रोज जिनके रिजल्ट अभी आ चुके हैं, ठीक है, Q1 के। तो उससे पहले, वो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। तो हम आगे स्क्रीन पर, तो कंपनी का नाम है सेल अथोराइज्ड, ये स्टील सेक्टर के से है अथोराइज्ड। और ये कंपनी के रिजल्ट गजब के आए, मंडे को ज़बरदस्त रैली दिखा सकती है Q1 के रिजल्ट। तो ये कंपनी शायद से 150 से 170 तक जा सकता है। तो मंडे को फोकस रखना है, ये कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर सकती है, ठीक है। तो देखिए, टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा है गया है, सेल Q1 रिजल्ट को रिपोर्टिंग नेट प्रॉफिट 3,897 करोड़, गजब के प्रॉफिट निकाले गए हैं। तो मतलब मंडे को ये शेयर में तेज़ी आ सकती है, तो आप फोकस रख सकते हो इसमें। तो दूसरा स्टॉक है, देख सकते हैं, JK टायर इंडस्ट्रियल। तो मंडे के दिन इस पर भी नज़र रखना, लगभग 1 रुपये की गिरावट, स्टेबल हुआ है 160 पे। तो कंपनी ने रिजल्ट भी शानदार दिखाया है, ठीक है। देखो, कंपनी ने Q1 रिजल्ट को पोस्टेड 44 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई गई है, डीपली 77% की ये रिकमेंड की है। तो पावर सेक्टर में मेरा कोई फेवरेट स्टॉक है तो वो है टाटा पावर, ज़बरदस्त है। क्योंकि इसमें भी मैंने इसके पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया गया है, उसका रीज़न भी बोला है कि ये अपने जितने भी कर्ज है वो मुक्त हो जाने वाले आने वाले 3 साल के अंदर, ठीक है। आज कंपनी की बात करें तो कंपनी 135 पे स्टेबल हुआ है, मतलब इसके भी रिजल्ट शुक्रवार को आए थे। तो मंडे के दिन इसको भी फोकस रखना, ज़बरदस्त रैली इसमें भी देख सकता है। क्योंकि कंपनी ने फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं, और इसके रिजल्ट की बात करें तो ये इसके रिजल्ट देखिए, 74% की जंप जून में दिखने मिली है, लगभग 450 करोड़ तक देखने मिली है। तो टाटा पावर एक बेस्ट स्टॉक है, अगर फ्यूचर में आपको कोई लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो मिनिमम मेरे तरफ से 100 शेयर आप 120 पे बाई करके आगे चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये अच्छा स्टॉक है, तो इसे भी आप मंडे के दिन फोकस रख सकते हैं। तो दूसरे सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर से है परिमल एंटरप्राइज, जो फार्मा सेक्टर में से आती है। तो देखिए, कंपनी का प्राइस बैंड है 2670 तक जाके स्टेबल हुआ है, मतलब 70 पॉइंट की गजब की तेज़ी देखने मिली है। तो ये मतलब मंडे के दिन भी इसमें तेज़ी रह सकती है, तो इसका रिजल्ट भी शानदार आइए, फोकस रखिए मंडे को। देखिए, इसमें कंपनी ने खुद स्टेटमेंट दिए है, 8% प्रॉफिट क्वार्टरली, मतलब 530 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई गई है, ठीक है। मंडे के दिन परमल इंडस्ट्री में आप नज़र रख सकते हैं, परमल एंटरप्राइज पे। तो दूसरा सेक्टर है अनुपम रासायनिक, उसमें भी फ्राइडे के दिन गजब की तेज़ी देख के फिर ऊपर जाके सीधा नीचे गिरावट। तो इसके रिजल्ट भी सैटरडे को आ चुके हैं, गजब की प्रॉफिट इन्होंने दिखाया गया है। तो मंडे के दिन ये शायद से 750 तक जा सकता है, तो इस पर भी मंडे के दिन फोकस रखना, ठीक है। तो दूसरा मेरा फेवरेट स्टॉक है मझगांव, जो मेरे पास भी है 227 पे। तो वो इस पर भी देख लेना, ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिलेगी। तो इसके Q1 के रिजल्ट मंडे को आने वाले, मंडे या ट्यूसडे को आएंगे 10 तारीख को। तो फोकस रखना, ज़बरदस्त है, और ठीक है। दूसरा,
तो दूसरा मेरा फेवरेट स्टॉक है मदर्स एंड स्वामी, इस पर भी मेरे पास बाइंग है 240 पर, तो गजब की तेज़ी देखने मिल सकती है 10 तारीख को इसमें भी, ठीक है। मंगलवार को खास फोकस रखना, ये सब 250-260 तक तेज़ी दिखा सकती है, ठीक है। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले, तो मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ केमकॉम स्पेशलिस्ट लॉन्ग टर्म के लिए इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके मंडे के दिन रिजल्ट आने वाले, तो आप इस पर भी फोकस रख सकते हो। तो जिन्हें बाय करना है बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ज़बरदस्त तेज़ी आने वाले समय पे 700 से 800 तक जा सकता है, तो आप इस पर भी नज़र कर सकते हैं, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।